वेलकम टू एजुक्लिक, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हमारे साथ। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए रोज का डबल डोज, जिसमें है एक कैप्सूल दो का दम। आज है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर हम डिटेल से बात करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आज के करंट अफेयर्स की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं आप। हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, हर एक प्लेटफॉर्म पर जहां चाहे वहां फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों कल का कैप्सूल लिया क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ACI द्वारा वार्षिक एयरपोर्ट सर्वेक्षण में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो ये मिला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑप्शन बी राइट आंसर। ACI यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया है। यह पुरस्कार इंडोनेशिया में आयोजित दूसरे वार्षिक ACI ग्राहक अनुभव वार्षिक सम्मेलन में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों को प्रदान किया गया है। कोचीन एयरपोर्ट स्थित है केरल में, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन तथा गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब यह सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया में, तो मैप में देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया तथा प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं HS अरोड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर। एयर मार्शल HS अरोड़ा को भारतीय वायुसेना के 22 एयर चीफ मार्शल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एयर मार्शल RKS भदौरिया का स्थान लेंगे, जो अब वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं। अभी HS अरोड़ा वायुसेना की दक्षिण पश्चिम कमांड की कमान संभाल रहे हैं। अब ये उप प्रमुख बने हैं भारतीय वायुसेना के। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में तथा एयर चीफ मार्शल अभी तो BS धनोआ ही हैं। आज ये रिटायर हो रहे हैं, तो इनका स्थान लेंगे अब RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बोमन रशीद कोहिनूर का निधन हुआ है, ये कौन थे? एक बिजनेसमैन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। बोमन रशीद कोहिनूर ब्रिटानिया एंड कंपनी के ओनर थे। ब्रिटानिया एंड कंपनी की स्थापना 1923 में बोमन रशीद कोहिनूर के पिता रशीद कोहिनूर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी को विश्व की सबसे प्रशंसनीय 25 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है MC मैरीकॉम को। ऑप्शन बी राइट आंसर। यूगोब ने अपने सर्वे 2019 में मोस्ट एडमायर वुमेन की सूची में भारत की तरफ से पहले स्थान पर भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी MC मैरीकॉम को शामिल किया गया है। दूसरे स्थान पर किरण बेदी एवं तीसरे स्थान पर लता मंगेशकर हैं। यूगोब एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन और डाटा एनालिसिस करने वाली एक ब्रिटिश कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने TB हारेगा देश जीतेगा कैंपेन को कितने करोड़ वित्तीय सहायता दी है? तो सहायता दी है 40 करोड़। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक न्यू कैंपेन टीबी हारेगा देश जीतेगा लॉन्च किया है, जिसे देश के 9 राज्यों में शुरू किया गया है। इस अभियान को वर्ल्ड बैंक द्वारा 40 करोड़ राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस अभियान का उद्देश्य भारत से टीबी का उन्मूलन करना है। अब सहायता राशि दी है वर्ल्ड बैंक ने, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है Washington DC में तथा इसके MD हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी पश्चिम बंगाल द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा 19वीं सदी के सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर एक म्यूजियम की स्थापना करने की घोषणा की है। हाल ही में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 200वां जन्मदिन मनाया गया था। अब ये घोषणा की है पश्चिम बंगाल सरकार ने, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी तथा गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CAB का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सौरभ गांगुली को। ऑप्शन ए राइट आंसर। CAB यानी बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को चुना गया है। सौरभ गांगुली जुलाई 2020 तक बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो ये बनेगा राजस्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां पर राइट टू हेल्थ लागू किया जा रहा है। इसके अनुसार राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार होगा। मैं आपको बता दूं कि
राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI लागू करने वाला भी राजस्थान देश का पहला राज्य था। अब यह लागू किया जा रहा है राजस्थान में। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत तथा गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बर्ड हार्ट डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। बर्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा 29 सितंबर को बर्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हार्ट से जुड़ी रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसको मनाने की शुरुआत 29 सितंबर 2000 में हुई थी। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे 2019 की थीम है माई हार्ट योर हार्ट। अब इसे मनाता है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में तथा इसके प्रेसिडेंट हैं सलीम यूसुफ। अब क्वेश्चन आया है इम्पोर्टेंस डे का। तो आपको इस मंथ के अभी तक के सारे इम्पोर्टेंस डे रिवाइज करने हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी इम्पोर्टेंस डे का क्वेश्चन आए तो आप इनको रिवाइज किया करो, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से आप उन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रांड जेड की टॉप 75 इंडियन ब्रांड्स की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है HDFC बैंक को। ऑप्शन बी राइट आंसर। ब्रांड जेड की टॉप 75 इंडियन ब्रांड्स की रैंकिंग में HDFC बैंक ने 6वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC ने दूसरे स्थान प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS। अब टॉप रैंक मिली है HDFC बैंक को। तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में तथा इसके CEO हैं आदित्य पुरी। अब देखिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन, हाल ही में IMF का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। ऑप्शन बी राइट आंसर। बल्गेरिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। ये क्रिस्टीन लेगार्ड का स्थान लेंगी। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा पहले वर्ल्ड बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी। अब यह बनी है IMF की प्रबंध निदेशक। तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में तथा IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभी तो यही बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय द्वारा कॉमिक सीरीज प्रोफेसर आयुष्मान का अनावरण किया गया है? तो किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा जारी की गई एक नई कॉमिक बुक सीरीज प्रोफेसर आयुष्मान का अनावरण किया है। यह बुक बच्चों में औषधीय पौधों और उनके बारे में जागरूकता पैदा करेगी। मैं आपको बता दूं कि आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं श्रीपद येसो नायक। अब आपके लिए आज के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। क्वेश्चन के बारे में आप जितना ज़्यादा लिखोगे फिर आप वो कभी नहीं भूल पाओगे। तो आप इसकी हैबिट बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।